Now our first round of mathematics begin. Are you ready to put on your thinking caps, students? Are you ready? Yes. Team A. आप अपने अंदर आओ यहाँ पर देखो ना. Team A, are you ready? Yes. Team B. Okay. आप आंखें बंद करो भाई. आंखें बंद करो. आंखें बंद करो. Stop करना. चलो ठीक है. आपने ही सिलेक्ट करना है पहला मैथमेटिक्स का कौन सा चैप्टर होगा. चैप्टर्स की लिस्ट आपके सामने है, आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं. कौन सा चैप्टर? फर्स्ट वाला. लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स. ठीक है. एलसीएम. ओके. यू वुड हैव 7 मिनट्स एंड 5 क्वेश्चन इन वन राउंड. ठीक है. आपने उसका आंसर 7 मिनट के अंदर अंदर देना है. आपने हल भी इसी 7 मिनट के अंदर अंदर करना है. किसी सवाल को जल्दी भी नहीं करने की कोशिश करनी और बहुत ज्यादा देर भी नहीं करनी. ये जो वीडियो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसकी वीडियो जो है वो यहाँ पे भेजा है. ओके. लीस्ट कॉमन मल्टीपल ये चैप्टर 2 है ना. पहला चैप्टर का फोन नंबर है यही है ना. ये वन में मैंने इसके 2 पार्ट्स किए, 2 चैप्टर के. एलसीएम अलग कर दिया और एचसीएफ अलग कर दिया. तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल इन्होंने चूज किया. आर यू रेडी? यस. ओके. सो फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द एलसीएम ऑफ 18 and 24 यूजिंग द डिवीजन मेथड. ऑप्शन आर 12, 18, 30 या 72. तब तक हम इंजॉय करते हैं. अब एक बार अप्लॉज कर देंगे अपने लिए भी. जमा करें बस फिर उसको अप्लॉज. आप लोग सिर्फ 3 दफा तालियां बजाएंगे. ये देखें 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. बस 3 दफा 3-3 बजाएंगे बस. द क्वेश्चन वॉज कैलकुलेट द एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 72. अगला क्वेश्चन है, इन अ गार्डन यू प्लांट फ्लावर्स एवरी 12 डेज एंड योर नेबर प्लांट फ्लावर एवरी 18 डेज. व्हेन विल बोथ ऑफ यू प्लांट फ्लावर्स ऑन द सेम डे अगेन? 6 डेज, 12 डेज, 36 डेज या 72 डेज? आप फ्लावर करते हैं, आप प्लांट करते हैं एक फ्लावर को 12वें दिन और वो फ्लावर करते हैं प्लांट करते हैं 18th डे, हर 18th डे. ठीक है. तो कब दोनों आपस में एक ही दिन पर दोनों मिलेंगे? कर सकते हो, यू कैन डू इट. प्लांट तो करोगे पहली दफा, फिर चलो मैं थोड़ा असिस्ट कर देता हूं. पहली दफा 12 को करोगे तो दूसरी दफा 24 को करोगे, तीसरी दफा 36 को करोगे. इसी तरह दूसरे का देखो, 18 को करोगे तो उसके बाद 36 को करोगे, उसके बाद पता नहीं. ये तो आंसर ही बता देता हूं मैं. आ गया आंसर. आपका टाइम 4 मिनट 23 सेकंड रह गया. सीधे खड़े हो, सीधे खड़े हो. जो नहीं खाली पा रहे हो सीधे खड़े हो. 36. बस अब आंसर नहीं. 3 फ्रेंड्स वॉन्ट टू मीट एवरी 9 डेज, 15 डेज एंड 21 डेज. वन विल दे मीट टूगेदर नेक्स्ट? 45 डेज, 63 डेज, 90 डेज या 100 डेज? एलसीएम का सवाल है. लीस्ट कॉमन मल्टीपल, चैप्टर नंबर 2, लीस्ट कॉमन मल्टीपल का सेक्शन, उसमें से ये सवाल है. यू वुड हैव 3 मिनट्स लेफ्ट आफ्टर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. क्विक. 45. ओके. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यू हैव 2 बैग्स ऑफ कैंडीज विद
36 candles in one bag and 48 candles in another. What is the LCM of the number of candles in the bag? LCM क्या होगा? Candles का LCM निकालना है जो हमने उस bag में है, उन bags में है. You have 2:35 left. अपने 144. Okay. Next study. What is the LCM of 8 and 12? 8, 12, 48, 24. 1:50 रह गए. ट्वेंटी फोर. तीन सवालों के जवाब सही दिए हैं जबकि पांच में से दो गलत हुए. हम इनका सही आंसर पहले देख लेते हैं, इसके बाद हम आपके तरफ जाएंगे. ओहो, पहले गेम मैंने अभी कर दिया. अब आप लोगों का क्विज शुरू हो गया. टीम बी इज योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टीम बी यू चूज. द चैप्टर सॉरी फ्रॉम मैथमेटिक्स ऑफ ग्रेड 5 विच इज टोटली अलाइंड विद एसएमसी सिंगल नेशनल करिकुलम. विच चैप्टर डू यू वॉन्ट टू चूज? एचसीएफ. Let's start from HCF. Are you ready? Yes. Okay. ये last round है. ठीक है, इसके बाद हम खत्म कर देंगे. तो इसको आज के लिए खत्म कर देंगे. ये वीडियो जो है वो आप घर जाकर देख सकते हैं. ठीक है, हम HCF शुरू कर रहे हैं. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. नहीं, ये लगी हुई है यार. ये इस एप्लीकेशन पे आप लोग आ रहे ना, मैं तो आप लोगों को कहीं जा रहा हूँ. एक ईमेल ला के दो रख रही है, बस मैं आज देख लेता. बस बस अब बिल्कुल हर चीज की ना बैटरी खत्म होने वाली है. हमने इसे कंप्लीट करना है. लास्ट लास्ट है. आप प्लीज लीजिए, आवाज ना आए. आपकी बैटरी वैसे खत्म हो गई है, मैं रिचार्ज करता हूँ. बल्कि आप आकर मेरे को खुला आप मैं रिचार्ज कर देना. अच्छा बस जो व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 12 and 18? 2, 3, 4 या 6? क्विक आ रहे हो? काम नहीं है मेरे को तो. हर मंथ में हुआ करने 6. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन विल अपीयर ऑन योर स्क्रीन इज व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 10 एंड 12? 60, 24, 48 या 5? मेरा ख्याल आप लोगों के लिए मुझे टॉपिक्स में गवानी करनी है. साथ साथ तुम भी करो. अभी नहीं, फिर आप शोर करोगे, फिर आप आंसर उनको बताओगे. चलो देखो तो सही. यू हैव 5:40 लेफ्ट. एचसीएफ फाइंड आउट करना है 10 and 12 का. जिससे मर्जी करे, मुझे नहीं पता. मुझे इस टाइम भी नहीं सब कुछ. हाँ बोल ही जाते हैं. आपके पास 4:57 लेफ्ट है. You have 4:25 left. HCF 10 और 12 का करना है. इतना टाइम क्यों लग रहा है? सही है.
HCF क्या आ रहा है? चलो अब आपका फोन को अनफोल्ड करो। 24 क्या लगाऊं? 5 लगाऊं, 24, 48 या 60? इसका आंसर देख लेंगे हम। जल्दी से बताओ। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फोर आंसर के ऑप्शंस 4, 6, 8 या 12। Okay, the next question is, you have 2 bags of candies with LCM का आ गया। ठीक है, ये LCM का दोबारा से यही करना है आप लोगों ने। What is the LCM of number of candies in the bag? 36, 48, 72 या 144? You have 2 bags of candies with 36 candies in one bag and 48 candies in the other. What is the LCM of the number of candies in the bag? 36, 48, 72, 11, 44. ध्यान से देखो, आखिरी काम गलत किया आपने, आखिरी स्टेप गलत किया। ये क्या है? ये देखिए, इसमें नहीं मसला है, सिर्फ इसमें मल्टीप्लाई करने में मसला है। ये क्या लिखा हुआ है? क्या बना रहे हैं? 0। ये 144 तो नहीं था? 144। अच्छा, आप इसको देखिए, चेक कर ले, ये अगले राउंड करते हैं इसके बाद। ओके जी, हम लास्ट राउंड की जाने बढ़ रहे हैं और ये लास्ट राउंड जो है इसके अंदर इनकी एक पॉइंट इनका कम है, नेट ऑफ इनका। ठीक है, क्योंकि पहले इनके 2 पॉइंट इनसे ज्यादा थे, अब इनके 3 पॉइंट उनसे कम आए हैं। आपके 3 नंबर आए थे ना? 2 आए या 3 आए? नहीं नहीं, मैथ्स में है। मैथ्स में कितने आए हैं ईमान, आप बताए? चलो मैं देख लूंगा फिर कितने आए हैं, लेकिन आपका एक नंबर इनसे कम है। ठीक है, हम टीम के साथ देख लेते, आपका एक नंबर इनसे कम है।
अच्छा जी लास्ट राउंड है मैथ्स का, अब आप लोग अपना चैप्टर चूज करेंगे, किसको दूं मैं, आप आंखें बंद करो, क्या नाम, वन टू स्टॉप कह दिया आपने, कौन बेटर चैप्टर बताओ, हाँ जी चैप्टर उसके अंदर बताना है पैरामीटर एंड एरिया, ओके वही सेम रूल्स है, 7 मिनट होंगे सर, फिर उनकी बारी, हाँ जी आपकी बारी, 7 मिनट होंगे ठीक है, आपकी चलेंगे, वो टाइम स्टार्ट नाउ, आर यू रेडी, यस लास्ट राउंड है, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर विद अ साइड लेंथ ऑफ 5 यूनिट्स, 15 यूनिट्स, 20 यूनिट्स, 25 यूनिट्स या 30 यूनिट्स, पेरीमीटर एक स्क्वायर का निकाल लो इसकी साइड की लेंथ क्या है, 5 यूनिट्स, आंसर क्या होगा, कितने यूनिट्स, ट्वेंटी यूनिट्स, ओके विच फॉर्मूला इज यूज टू फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, ए इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, ए इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, ए इज इक्वल टू 2 इंटू साइड, ए इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ, एरिया ऑफ अ स्क्वायर उसका फॉर्मूला क्या है, आपके पास 5 मिनट 36 सेकंड रहे, वो सारे बच्चे ऑडियंस में से हैंड रेज कर रहे हैं, कर रहे हैं, नीचे कर लें, नीचे कर लें, फाइव मिनट्स 12 सेकंड लेफ्ट, इधर इधर इधर, मैं बोलो उठ गया, तो बोलो उठ पीछे, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, पूरा बोलो लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, अच्छा ए इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, ए इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, इसको सबमिट कर दिया, इफ यू नीड टू पेंट द वॉल, इफ यू नीड टू पेंट द वॉल ऑफ अ रेक्टेंगुलर रूम विद एन एरिया ऑफ 48 स्क्वायर फीट एंड अ लेंथ ऑफ 12 फीट व्हाट इज द विड्थ ऑफ द रूम, आप चुप कर दो, मैंने ये खुद चूज करना है जो आप लोगों ने चूज किया है, मेरे हाथ लगा है 5 पे, ओहो कोई भी चूज कर सकते हो, अभी कौन सा मैंने सबमिट किया है, हाथ लग गया उसके ऊपर, क्विकली करेंगे, रेक्टेंगुलर रूम है जिसकी कुल एरिया निकला है 48 स्क्वायर फीट जबकि उसकी लेंथ है 12, तो उसकी वेट क्या होगी, एरिया वाला अभी आपने बताया ना फॉर्मूला, वही आपने रेक्टेंगुलर का देखना है, रेक्टेंगल का देखना है फॉर्मूला क्या होता है, वो स्क्वायर का था ये रेक्टेंगल का, क्विक 5 ओके 5 फीट, इफ अ रेक्टेंगुलर रूम हैज अ लेंथ ऑफ 10 फीट एंड अ विड्थ ऑफ 8 फीट व्हाट इज इट्स एरिया, लेंथ क्या है 12 सॉरी
लेंथ क्या है 10 फीट और ब्रेथ क्या है 8 फीट, उसका एरिया कितना होगा? आपके पास टाइम 2 मिनट 11 सेकंड रह गए। मुझे लगता है मेरे से ना कुछ करवाने हैं। जी 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 1 मिनट 50 सेकंड रह गए हैं। square feet. Next question है, what is the formula to calculate the perimeter of a rectangle? T is equal to 2 length plus width. 2 into length plus width. Okay. आप लोगों के 3 questions के आंसर ठीक हुए हैं 5 में से। अब हम चलते हैं लास्ट राउंड 14A उनके लिए। टीम ए आप लोगों ने सबसे पहले इसमें से चैप्टर सिलेक्ट करना है। बैटरी चल रही है, मैं भी चला देता हूँ। चलो अब चल रही है। अब टीम ए के पास माइक तो आपके पास आना नहीं है, ये वहां पे रखो, अपना अपना माइक लगा लो, जल्दी से लगा लो, जल्दी से जल्दी से कोई कहीं लगा लो ना, वैसे लगा लो साथ पास हल्का सा, तुम्हें लगा है। चलो शाबाश। अच्छा जी चैप्टर चैप्टर चूज करना है। मैं तो आपको बोलूं सर्वे नंबर है नजर आ रहा है नहीं है तो बता क्या रहा हूँ। सुनिए चिकनी का यार नीचे नहीं हो रहा, बंद है ओनो नहीं हो गई। यस अच्छा जी हाँ जी तो यूनिटरी मेथड यूनिटरी मेथड ओके स्टार्ट। ये वीडियो जो है यूनिटरी मेथड की यहां से देख सकते हैं। अब हम चलते हैं यूनिटरी मेथड की तरफ। बस भाई आवाज आए लास्ट राउंड में बिल्कुल चुप करके बैठना है। ओके इफ 3 pencils cost 6 rupees ये चलो डॉलर लिखा हुआ है हम यहां पर रुपीज कर लेते हैं। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 pencil 2, 3, 4, or 5 If the cost of 2, 3 pencils 6 rupees, what is the cost of 1 pencil? 2, 3, 4, or 5 2. 2. Correct. If the cost of 4 books is 24, what is the cost of 2 of the same books? 4 books की कॉस्ट 24 है, 2 books की कितनी होगी? 8, 6, 12, or 4, 5 6. हेलो ना? अच्छा इफ अ डजन एग्स यानी 12 eggs कॉस्ट 2, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 18 eggs? 3, 4, 2.5, 2.75 इसकी देखो लाइट जल रही है लड़की की दूसरी साइड पे जो चल रही है इसको ठीक खराब है इसको देना बता दो कॉल तो नहीं हुआ खराब तो नहीं हुआ सही चलो जल्दी जल्दी कर लिए
बहुत आसान सवाल है. इफ अ डजन हैव 12 एग्स कॉस्ट 2, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 18 एग्स? 2.5. बिल्कुल. इफ अ टॉय कॉस्ट 8, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 5 ऑफ द सेम टॉयज? एक टॉय की कॉस्ट है 8, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 5 ऑफ द सेम टॉयज? 5 टॉयज की कितनी कॉस्ट होगी? 13, 40, 8, ये 10. 40. If 5 kilogram of rice costs 15, what is the cost of 2.5 kilogram of the same rice? 7.5, 6, 7 या 8.5? ये लास्ट क्वेश्चन है. इसके बाद ये वाला राउंड खत्म हो जाएगा और इसके बाद जब मैं कहूंगा तब आप लॉस करेंगे. क्विक नमाज का टाइम है, इसके बाद नमाज पढ़ने जाएंगे. लास्ट क्वेश्चन है 7.5 और यहां पे राउंड जो है वो इक्वल हो गया, जबकि इनका एक एक सवाल कम है. सो हमारे पास जो इस टाइम टीम ए है उनके लिए क्लैप कर रहा इस तरह कर दें. प्लीज बीच में बोलेगा. आवाज क्यों आ रही है? यह एंडिंग जा रहा हूं ना कारण को. एंड देन यू हैव इट, the math and science master challenge comes to a exciting come to an exciting close. I want to extend my gratitude to the teachers and teachers, parents and all our participants for their enthusiasm and dedication. It is through your support that these young minds can thrive and learn. Once again, a heartfelt thank you to our sponsor, Precision Quiz Application. Your generosity has enabled us to provide this incredible learning experience for our students. Applause. Before we announce the winners, I want to remind everyone that in the end, we are all winners because we have learned, grown, and had fun together. Let's give another round of applause to all the participants for their hard work and effort. And now it's time to reveal the maths and science masters. The first and second place winners will receive the prizes shortly. Congratulations to all the winners. Thank you everyone for being a part of spectacular. क्या कोई खास तकलीफ है? आपने आवाज में आए. Thank you everyone for being a part of a spectacular event. Remember, the thirst for knowledge is never ending, and there is a world of work. There is a world of wonders out there waiting for you to explore. We look forward to seeing you in future events. Until then, keep learning, keep growing, and keep chasing your dreams. Jazakallah. Clapping. Cheers.